गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन ने जनपद वासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। डीएम ने कहा कि गोरखपुर में स्थिति नियंत्रण में है, ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है, इसलिए घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर एक भी मरीज निकलता है तो 406 लोगों को ये संक्रमित कर सकता है, इसलिए बचाव ही जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन ने कहा, सर लॉकडाउन क्या स्थिति और क्या कहेंगे जनता से? देखिए, जनता से बार बार तो यही कर रहे हैं, तो सारे मेहनत एक ही चीज़ का हो रहा है, तो घर का अंदर ही रहिएगा। ताकि अभी फिलहाल गोरखपुर में ये स्थिति नियंत्रण में है, एक भी मरीज नहीं निकला है, ये सारे आप लोगों को सहयोग की वजह हो रहा है। बाकी तो हम लोग बॉर्डर का सील कर रखा है, ताकि एक बार आ जाएगा, एक भी मरीज निकलता है तो एक महीने के अंदर 406 आदमी को एक मरीज फैला सकता है। यानी तो फिर उस पर मतलब पैंडेमिक इसलिए डिक्लेयर किए हैं ताकि जो किसी लेवल तक वो विस्फोट होगा वो नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसलिए बार बार सरकार कह रही है जो बीमारी आने के पहले कितने बचाव कर सकते हैं वही हम लोगों को बचाव है, आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हाथ खड़ा करके, ताकि इसके इलाज अब तक नहीं है। पूरे दुनिया में इसका इलाज अभी खोजा जा रहा है, अब तक नहीं है, केवल बचाव ही एक साधन है। इसलिए तो घर के अंदर ही रहें, बस आगे हो सकता है 1 सप्ताह 10 दिन एक्सटेंड हो, बट ये आपको सुरक्षा के लिए, आपको भले के लिए, आपको जो रोज़मर्रा चीज़ है, ज़रूरत चीज़ है, वो हम गारंटी के साथ आपको 24 घंटे आपके घर पर भिजवा देंगे, वो हमारा जिम्मेदारी। देखिए, ये मास्क लेके तो शासन और राज्य सरकार का, भारत सरकार का बहुत सख्त निर्देश है, बिना मास्क का कोई घर से बाहर नहीं निकलना है। इससे दो फायदा है, एक तो जो बीमार व्यक्ति है वो अपने बीमारी अपने के अंदर ही रखेगा, जो थूकेगा वो झुकेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, जो ड्रॉपलेट है किसी की वजह फैलता है। दूसरा चीज़ है, बाहर जो फैलने वाली स्थिति कम हो जाएगा उसी की वजह दूसरा का तो फैलता नहीं, यानी एक तो है जो मरीज है खुद का बचाव के लिए एक वो फायदा है, दूसरा है उनका आसपास उनके घर वाले हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, उनको भी नहीं फैलता है, इसलिए मैंडेटरी कर दिया है। यदि तो आपके पास मास्क है तो वेल एंड फाइन, नहीं तो मास्क घर पे भी बना सकते हैं। इनकेस मास्क नहीं, कम से कम रुमाल नहीं तो कोई भी गमछा है, जो भी है, ढंग से ढका दीजिए, ढका के बाहर आइए, इसको आदत बना दीजिए। तब तक ये बीमारी तो देश से बाहर नहीं निकलेगा, इसको आदत बना दीजिए, घर से बाहर निकलते हुए कुछ ना कुछ पहन के जाइए आप, तो ये मेरा निवेदन है। सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, तो आप जो ये आप एक ही वजह है ये बीमारी फैलने का है, देखिए तो जो काशी थूक है, झुक है, जो भी है, उसे ड्रॉपलेट कहते हैं, जो वो जुकाम से काशी से निकलता है, वो ड्रॉपलेट कितने दूर तक फैलता है उतने तक हमें दूरी बनाना है। 1 मीटर भले सरकार कह रही है ठीक है, बट कितने दूरी बनाएंगे उतने आपको फ़ायदा के लिए, ताकि हो सकता है तो उनका ड्रॉपलेट काफ़ी दूर तक चलेगा तो फिर वो परेशानी होगी, इसलिए तो 1 मीटर कम से कम दूरी सरकार ने बताए, बट अधिकतम आप दूरी मेंटेन करिए एंड बाहर आने से आप बचाइए, बाहर से मत आइए आप।